नमस्कार भारत, भारत के निवासी सभी कैसे हैं। 2024 में आप जीवन में धन को कैसे आकर्षित करें, इसके लिए जोसेफ मर्फी की किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उससे कुछ नियम मैं आपको बताने जा रही हूं जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में धन का आकर्षण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये जानें कि धन कहीं बाहर नहीं, आपके अवचेतन में बनता है, आपके अवचेतन में ही निर्मित होता है। जब आप अपने चेतना में इसको स्थान देते हैं तो ये सकारात्मक रूप से आपके जीवन में प्रवाहित होता है। इसके लिए मैं कुछ अफर्मेशंस भी बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप धन को अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। लेखक बताता है कि उनके एक मित्र हैं जो कि अपने अवचेतन का प्रयोग करके या अपने अवचेतन की रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करके $75,000 प्रति वर्ष कमाते हैं और विश्व भ्रमण के लिए जाते हैं, जबकि उन्हीं के साथ के कुछ दोस्त जिन्हें अपनी अवचेतन की शक्ति का पता नहीं है मात्र ₹100 पर माह पर जीवन काटते हैं, जबकि उनको ज्ञान उनसे भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने अवचेतन का प्रयोग कर सकते हैं धन के प्रवाह के लिए। धन एक चिन्ह के रूप में होता है, कहीं डॉलर, कहीं पाउंड, कहीं रुपया के रूप में, कहीं पर यह धातुओं के रूप में, वो भी धन है जैसे सोना, चांदी, तांबा, टिन। इसी तरीके से गाय, बैल, भेड़, बकरी, प्राचीन समय में इनको भी धन माना जाता था। आप अपने अवचेतन से धन की जो शाही सड़क है उस पर चल सकते हैं और अपने जीवन में धन का आकर्षण कर सकते हैं, यानी अवचेतन में जब धन के विचार को भेजेंगे तो स्थितियां कैसी भी हों आपके पास धन आएगा ही। धन के लिए सही दृष्टिकोण क्या है, आप धन को कई गुना बढ़ाने के लिए दिन में कई बार ये कह सकते हैं मुझे धन पसंद है और मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसका बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता के साथ और न्यायसंगत ढंग से उपयोग करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से मेरे पास कई गुना होकर वापस आता है। यह अच्छा है कि मेरे पास प्रचुरता से तूफान की तरह अच्छा धन प्रवाहित हो रहा है, मैं इसका अच्छाई के लिए उपयोग करता हूँ और अपनी अच्छाई और मन की समृद्धि के लिए मैं इसका आभारी हूँ। आप जब भी निवेश करें तो डरे नहीं, इसके साथ ही ये बोले कि अनंत बुद्धिमत्ता मेरे सभी लेन देने को देखता है और नियंत्रित करता है, या मैं जो भी करूँगा वह समृद्ध होगा। तो आपका नुकसान से बचाव होगा और आपका जो निवेश होगा वह अक्लमंदी भरा होगा। धन को आकर्षित करने के लिए आप कल्पनाशीलता का भी प्रयोग कर सकते हैं, मन में विजुअलाइज कीजिए पैसे को, रुपये को, धन को, तो वह आपके जीवन में आकर्षित होगा। इसके साथ ही अवचेतन मन की शक्ति, विचार और मानसिक शक्ति की जो रचनात्मक शक्ति है आपकी धन की प्रचुरता, आज़ादी और निरंतर सप्लाई का रास्ता है, आप इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अमीरी, खुशी और सफलता मेरा अधिकार है, आप ऐसा बोल सकते हैं। आप अपने अवचेतन से कहें मैं अपने अवचेतन की अनंत संपन्नता के साथ हूँ, अमीरी, खुशी और सफलता मेरा अधिकार है, धन मेरी ओर निरंतर प्रचुरता के साथ असीमित मात्रा में प्रवाहित हो रहा है, मैं हमेशा अपनी वास्तविकता से परिचित हूँ, मैं अपनी प्रतिभा को वो बांटता हूँ, मेरे ऊपर अद्भुत आर्थिक कृपा है, ये चमत्कारिक है। इसके साथ क्या ना करें, यदि आप अमीर नहीं हैं और लगातार अफर्मेशन कर रहे हैं कि मैं अमीर हूँ परंतु उसमें विश्वास की शक्ति शामिल नहीं है, तो आप इस चीज़ में रेजिस्टेंस या अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, इसके लिए आप बोल सकते हैं दिन रात मेरी सभी इच्छाएँ फलीभूत हो रही हैं, तो इससे आपके मन में रेजिस्टेंस नहीं आएगा। दूसरा है खाली चेक पर हस्ताक्षर ना करें, क्योंकि इससे कमी का एहसास होता है और आप जब भविष्य के लिए डर कर खाली चेक पर हस्ताक्षर करते हैं तो नकारात्मक स्थितियों को आकर्षित करते हैं और आपका अवचेतन फिर उन्हीं को चक्रवृद्धि ब्याज की तरह आपके जीवन में लाता रहता है। किसी के धन को देखकर ईर्ष्या ना करें, बुराई ना करें, क्योंकि जब आप अपने मन में धन की कमी से ईर्ष्या करते हैं तो अवचेतन मन कमी ही आपके जीवन में लाता है और उल्टा आप यह कह सकते हैं इसकी जगह कि यह बढ़िया बात नहीं कि मैं इस व्यक्ति की संपन्नता से प्रसन्न हूँ और मैं इसके लिए और समृद्धि की कामना करता हूँ। अमीर बनने के लिए यह न सोचें कि बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि कड़ी मेहनत तो लेबर भी बहुत करते हैं परंतु आपको पता है वो अपनी दैनिक जरूरत भी नहीं पूरी कर पाते हैं। अमीर लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। धन के साथ ही मानसिक शांति, सामंजस्यता, प्रेम, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना करें, ताकि धन के साथ ही जीवन में बैलेंस या संतुलित जीवन बना रहे, ताकि आपके जीवन में हर चीज़ का प्रवाह हो। गरीबी एक मानसिक बीमारी है, ये कोई सदगुण नहीं है, क्योंकि जीवन सफलता, समृद्धि, फैलाव व प्रचुरता है, तो इसके विषय में सोचें। आपने कहीं निवेश किया तो डर कर ना करें, नहीं तो वैसे ही स्थितियां आकर्षित होंगी और आप कमी महसूस करेंगे और जीवन में नुकसान होगा। अमीरों के विषय में यह न कहें कि ये बेईमानी से धन कमाया है, मैं जानता हूँ इसको शुरू से, जब से इसके पास धन नहीं था इसने घपलेबाजी से धन कमाया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वैसी ही स्थितियाँ आपके पास लाकर देगा, उसे नहीं पता आप दूसरे को कह रहे हैं या खुद के लिए कह रहे हैं, तो किसी की बुराई ना करें। इसके साथ ही धन को खुशी से खर्चा करें, जब धन खर्च करें तो बोलें मैं समझदारी, रचनात्मकता और
न्यायपूर्ण ढंग से धन को खर्च करता हूँ। इसके साथ ही बिना कुछ किए पाने की कोशिश न करें, जैसे मुफ्त में खाना, और कुछ पाने के लिए कुछ देना भी सीखें, तभी आपके जीवन में भारी मात्रा में धन का प्रवाह होगा, धन तूफान की तरह आपके जीवन में आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते भारत, नमस्कार।